जय माता दी दोस्तों। समृद्धिशील जीवन के लिए देवी देवताओं की पूजा करने की परंपरा काफी पुराने समय से चली आ रही है। आज लगभग सभी घरों में देवी देवताओं की पूजा जरूर की जाती है। देवताओं के पूजन से हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन पूजा करते समय कुछ खास नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है, अन्यथा पूजा का शुभ फल नहीं मिल पाता। आज हम आपको बताने वाले हैं पूजा से संबंधित 30 खास ऐसे नियमों के बारे में जिन्हें हर किसी को ध्यान में रखना चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान ना रखा जाए तो पूजा अधूरी रह जाती है या फिर अशुभ फल देने वाली बन जाती है। सूर्य देव, गणेश जी, दुर्गा, शिव और विष्णु जी, ये सभी पंच देव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंच देवों का ध्यान अवश्य करें। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दूसरा, शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को भूलकर भी तुलसी ना चढ़ाएं। इन्हें तुलसी चढ़ाना वर्जित होता है। तीसरा, माँ दुर्गा को दुर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए। दुर्वा भगवान गणेश जी की प्रिय है, लेकिन माँ दुर्गा को दुर्वा चढ़ाना अशुभ होता है। चौथा, सूर्य देव को कभी भी शंख में जल भरकर अर्घ नहीं देना चाहिए, ऐसा करना अशुभ होता है। पांचवा, तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है या फिर उसका पूजन करता है तो ऐसे पत्तों को भगवान स्वीकार नहीं करते। सातवां, प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे कि एल्युमिनियम और लोहा, गंगा जल को हमेशा तांबे के बर्तन में रखना शुभ होता है। स्त्रियों को और अपवित्र अवस्थाओं में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। यदि इस नियम का पालन ना किया जाए और शंख बजा दिया जाए तो वहां से देवी लक्ष्मी चली जाती है। मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए, ऐसा करना बेहद अशुभ होता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए, ऐसा करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। दुर्वा रविवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा करना अशुभ फलों का कारण बन सकता है। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को आप 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः अर्पित कर सकते हैं, यानी कि कमल का फूल 5 दिनों तक बासी नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार शिव जी को बिल पत्र काफी प्रिय है और बिल पत्र 6 महीने तक बासी नहीं होता, यानी कि इसे जल छिड़क कर फिर से शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। तुलसी के पत्तों को लेकर शास्त्रों में कहा गया है कि ये 11 दिनों तक बासी नहीं होते, यानी कि इनकी पत्तियों को 11 दिनों तक फिर से जल छिड़क कर भगवान को अर्पित किया जा सकता है। आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर हाथों से ही भगवान को अर्पित किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और इसी पात्र से देवी देवताओं को फूल अर्पित करने चाहिए। तांबे के बर्तन में चंदन, घिसा हुआ चंदन या फिर चंदन का पानी नहीं रखना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक को ना जलाएं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति ऐसा करता है वह रोगी बन जाता है। बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार इसे वर्जित माना गया है। पूजा हमेशा पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख कर कर ही करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो सुबह 6 से 8 के बीच में पूजा अवश्य करें। पूजा करते समय आसन को लेकर ध्यान रखें कि जिस आसन पर बैठकर आप पूजा करते हैं वो ऊन का बना हो। ऊन का आसन सबसे श्रेष्ठ होता है। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक जरूर जलाना चाहिए। 1 दीपक घी का और 1 दीपक तेल का होगा तो काफी शुभ होगा। पूजा कर्म और आरती के बाद स्थान पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा अवश्य लगानी चाहिए, ऐसा करने पर ही पूजा संपन्न मानी जाती है। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति और संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें, भगवान के चरणों की 4 बार, नाभि की 2 बार, मुख की 1 बार या फिर 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती जरूर करनी चाहिए। पूजा घर में मूर्तियाँ 1, 3, 5, 7, 9 या फिर 11 इंच तक की होनी चाहिए। इससे बड़ी मूर्ति या फिर खड़ी अवस्था में मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति को तो भूलकर भी खड़ी अवस्था में ना रखें। गणेश और देवी की प्रतिमा 3-3, शिवलिंग 2, शालिग्राम 2, सूर्य प्रतिमा 2
गोमती चक्र दो की संख्या में कभी भी नहीं होना चाहिए। ऐसा होना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें, आभूषण आदि नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा मंदिर में पर्दा बहुत ही आवश्यक होता है। मंदिरों में माता पिता या फिर पितरों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, ऐसा करना अशुभ होता है। भगवान विष्णु की 4, गणेश जी की 3, सूर्य की 7, देवी दुर्गा की 1 और भगवान शिव की आदि परिक्रमा करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे पूजा से जुड़े हुए 30 ऐसे खास नियम जो हर किसी को पता होने चाहिए, चाहे आप घर में पूजा करते हो, दुकान में करते हो या फिर मंदिर में करते हो। अगर आप इन नियमों को ध्यान में रखते हुए भगवान की पूजा अर्चना करेंगे तो आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी और भगवान आप पर हमेशा प्रसन्न रहेंगे। ये थे पूजा से जुड़े हुए 30 ऐसे खास नियम जो हर किसी को पता होना चाहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।